सर्विस के बीच गैप कम करना, इनके बीच की मुश्किलें खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना इस समय की मांग रहा है। और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा और उनके एम्पावरमेंट का एक बहुत सशक्त माध्यम है। देश के हर वर्ग ने, समाज के हर तबके ने टेक्नोलॉजी आधारित ऐसे कई प्लान आधारित है। ई रूपी RBI स्वीकृत एक प्रीपेड ई वाउचर है, जिसे NPCI यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों के सहयोग से विकसित किया है। ई रूपी विशिष्ट सेवा के भुगतान के लिए लाभार्थी को जारी किया जाता है। यह एक QR कोड या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है, जिसे लाभार्थी के मोबाइल पर भेजा जाता है। इस कोड के माध्यम से सेवा प्रदाता के अकाउंट में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर किया जाता है। सरकारी संस्थाएं, कॉरपोरेट या कोई भी सेवा प्रायोजक अपनी पार्टनर बैंक की मदद से ई रूपी वाउचर जनरेट कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र पर लाभार्थी ई रूपी के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। सेवा प्रदाता केंद्र वाउचर के रूप में मिले QR कोड या SMS को स्कैन करेंगे। लाभार्थी के वेरिफिकेशन के लिए एक कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। वेरिफिकेशन हो जाने पर तुरंत भुगतान होने की पुष्टि हो सकेगी। यह वाउचर कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस है। इसका उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। लाभार्थियों की निजी जानकारी पूरी तरह से गोपनीय होती है। ई रूपी सुनिश्चित करता है सेवाओं की टारगेटेड और लीक प्रूफ डिलीवरी, वितरण प्रणाली के सरलीकरण के साथ साथ न्यूनतम प्रशासनिक